अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे अदन रोस्ट की यमनी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्द बन जाती है ये रेसिपी। तो देख लेते हैं कि अदन रोस्ट को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप के जितना वेजिटेबल ऑयल ले लिया है, 1/2 टीस्पून के जितना ब्लैक पेपर पाउडर, 3 क्लोव्स, 2 सिनेमन स्टिक्स हमें चाहिए होंगी 1 इंच साइज़ की, 5 ग्रीन कार्डमम, 1/4 टीस्पून टर्मरिक और 1 टीस्पून के जितना सॉल्ट हमें चाहिए होगा, 2 ब्लैक कार्डमम्स के सिर्फ सीड्स हम यूज़ करेंगे अच्छे से पीस कर, और 8 गार्लिक क्लोव्स हमें चाहिए होंगे, इनको कट करके यूज़ करेंगे, और 3 ग्रीन चिलीज़ हमें चाहिए होंगी। मैं यहाँ पे रेड ले रही हूँ, आप ग्रीन भी ले सकते हैं, और इनको भी हम चॉप करके यूज़ करेंगे। और मटन हमें चाहिए होगा 700 ग्राम्स के जितना। अदन रोस्ट कुक करना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने, स्टोव ऑन कर दिया है, और इसमें मैं 1/3 कप के जितना ऑयल ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसमें गार्लिक ऐड कर देते हैं। ये इस तरह से मैंने गार्लिक को कट कर लिया है, इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं, बिल्कुल 1 आध मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। गार्लिक जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गया है बिल्कुल। जो ही ये लाइट पिंक होना स्टार्ट होगा तो इसमें जो चिलीज हमने कट करके रखी हैं वो ऐड कर देंगे, और फिर साथ ही इसमें मटन ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा आप गार्लिक को ब्राउन मत कीजिएगा। तो बस हल्का सा जो ही ये कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा तो इसमें चिलीज हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं चिलीज़ को। चिलीज़ को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है, बहुत फ़ाइन आपने कट नहीं करना, ना ही गार्लिक को और ना ही चिलीज़ को। और बस 1 आध मिनट हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चिलीज़ और गार्लिक ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, बस इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं करेंगे। और अभी इसमें मटन ऐड कर देते हैं। मटन इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मटन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इसमें, और थोड़ा सा इसको अच्छे से हिला के जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप चिलीज थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चिलीज़ और ब्लैक पेपर। तो चलिए ये इसको मैंने हिला लिया, मूव कर लिया, और अभी ये चिपकेगा नहीं जो मटन है। तो इसमें बाकी की चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट चला जाएगा इसमें, टर्मरिक पाउडर इसमें चला गया, और इसमें ये जो हमने इलायची पीस के रखी थी ब्लैक कार्डमम वो है ये, और ब्लैक पेपर पाउडर और सिनेमन स्टिक क्लोव्स और ग्रीन कार्डमम्स, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम स्लो हीट पे कुक करेंगे, जितना स्लो हीट पे इसको कुक करेंगे उतना ही ज़बरदस्त ये इसका टेस्ट आएगा। तो आप इतनी इसको स्टीम लगाइए कि ये बिल्कुल फोक टेंडर हो जाए। तो अभी आप प्रेशर कुकर में इतना पानी डाल दीजिए कि ये, अगर आप इसे नॉर्मली 10 से 12 मिनट की स्टीम देते हैं तो अदन रोस्ट के लिए आप इसे 20 मिनट की स्टीम दीजिए ताकि बिल्कुल ये टेंडर हो जाए। तो मैं इसमें 1 कप के जितना जो है पानी वो ऐड कर देती हूँ। और जो ही पानी में बॉयल आ जाता है तो मैं इसको स्टीम लगा दूंगी, और मैं इसे 20 मिनट्स की स्टीम दूंगी, लेकिन मैं हीट जो है वो स्लो हीट पे इसे कुक करूंगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए, और फिर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मटन में जो मैंने पानी ऐड किया था उसमें अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो इस पॉइंट पे मैं इसको स्टीम लगा दूंगी,
और आमतौर पे मैं 10 to 12 मिनट की स्टीम लगाती हूँ मटन को टेंडर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं इसे 20 मिनट्स की स्टीम दूंगी ताकि ये बिल्कुल फोक टेंडर हो जाए। तो चलिए इसको मैंने स्टीम लगा दी है और इसको 20 मिनट्स के बाद मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। तो होने देते हैं इसे स्टीम। तो यहाँ पे मटन को 20 मिनट्स की स्टीम हो गई है, तो अभी इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो मटन बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है और इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, ऑयल इसका रिलीज़ हो चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त ये प्यार हो गया है। तो ये देखिए आप, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये बने। तो अभी इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इसे। तो चलिए इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये क्लोज़र लुक आप इसकी देख लीजिए, बहुत ही यम्मी ये बन के तैयार होता है। आप ज़रूर इसे एक दफ़ा से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं। तो अदन रोस्ट बिल्कुल रेडी है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए। आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन जाता है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।